आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री दिगंबर जैन समाज कृष्णा नगर दिल्ली, मुख्य संयोजक श्री नरेंद्र जैन पूल निगम पार्षद कृष्णा नगर दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, इसी में मेरा प्रश्न है कि हम जैन धर्म में हम जब किसी मुनि को, किसी साधु को नमोस्तु करते हैं तो 3 बार नमोस्तु करते हैं, या हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं 9 बार पढ़ते हैं, मुनियों के आगे या मुनियों तीर्थंकरों के लिए 108 या 1008 लगाया जाता है। महर्षि, मुझे इन अंकों का अर्थ नहीं पता कि ये क्यों लगाए जाते हैं। आपने पूछा है नमोस्तु करते समय 3 बार नमोस्तु क्यों बोला जाता है, 3 बार बोलो या 1 बार बोलो, अर्थ वही है। तो 1 बार बोलने में कम पुण्य मिलेगा और 3 बार झुकोगे, 3 बार बोलोगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो आप यदि ज़्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं तो 3 बार बोलिए। और एक अर्थ भी ये भी हम निकाल सकते हैं कि 3 बार यानी रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए हम 3 बार नमस्कार कर रहे हैं, एक बात। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि 108 क्यों लगाते हैं, 1008 क्यों लगाते हैं। क्योंकि भगवान के साथ 1008 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनके 1008 शुभ लक्षण उनके शरीर में होते हैं, इसलिए वो 1008 उनके साथ लिखा जाता है, एक बात। दूसरी बात, 108 क्यों लिखते हैं। अब साधु के साथ तो 108 लक्षण दिख नहीं रहे, पर नहीं, उसका भी लॉजिक है। क्या है कि 108 हम कर्मों का क्षय करने के लिए, जैसे मन वचन काय 4, क्रोध मान माया लोभ, मन वचन काय 3, क्रोध मान माया लोभ 4, इसमें कृत कारित अनुमोदन, इनमें गुणा करते जाओ। तो इनका गुणा करने के बाद इसका जो फल निकलता है वो 108 निकलता है। इस तरह से 108 कर्मों को नष्ट करने के लिए, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ, इन 4 में 3 का गुणा करो, है ना, फिर 3 में कृत कारित अनुमोदन का भी गुणा करो, मन वचन काय का गुणा करो, 4 के साथ क्रोध के साथ, फिर मान के साथ, फिर माया के साथ, फिर लोभ के साथ, इन सब का गुणा गणित करेंगे तो 108 होता, इसलिए 108 इनके साथ लिखते हैं ऐसा। महर्षि, नवकार मंत्र में हम 4 बार नहीं पढ़ते, 6 बार नहीं पढ़ते। हाँ, अब 9 का रीजन तो कुछ ऐसा पता नहीं है, 9 बार ही क्यों करना है, लेकिन 9 को अखंड अंक बोलते हैं। एक कारण है, जैसे हम आपसे पूछते हैं आपकी आंखें 2 ही क्यों हैं, आपके कान 2 ही क्यों हैं, आपकी जिह्वा 1 ही क्यों है, 2 हो जाती, लपलपाती रहती, अभी 1 से कम बोलते, 2 से ज़्यादा बोल लेते, तो इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है कि 9 ही बार क्यों। 9 अखंड का सूचक होता है, 9 अंक शुभ माना जाता है, इसलिए 9 बार करते हैं, है ना, ये इससे हमारे लिए फलीभूत होता है, अच्छा शुभ माना जाता है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जैसे कमटका जी और पार्श्वनाथ का 10 साल तक बैर चलता रहा, तो पार्श्वनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, जब ही पता चला होगा कि 10 भाव तक चला है, या पहले ही पता चल गया था। पहले यदि वो अवधि ज्ञान लेकर के
किसी पर्याय में आए होंगे तो उनको पता पड़ा होगा कि इनका हमारा बैर 10 भवों से चल रहा है या पिछला से चल रहा है। जब तक किसी को अवधि ज्ञान नहीं होता है, आज मान लीजिए हम 25-50 लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा जन्म कहाँ हुआ, आपका जन्म कहाँ हुआ, अब कुछ ऐसा पूर्व जन्म का कुछ दाना पानी का निमित्त होगा, कहाँ से चल कर के कहाँ तुम्हारे यहाँ आ गए, अब इसमें क्या होगा हमें तो पता नहीं, और आपको भी नहीं पता कि आपको आहार देना है, हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पर आहार लेना है, और बीच में हमारे बिजनौर वाले जो बाबूजी हैं इनका भी जबरदस्त पुण्य देखो, पहली बार मिलना हुआ, पहली बार इनके गांव में एक दिन के लिए गया, लेकिन जुड़े तो ऐसे जुड़ गए कि हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। तो अवधि ज्ञान होगा तभी पता पड़ पाता है कि इनका हमारे तुम्हारे से कोई संबंध है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो या अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन ये पक्का रहा कि 10 भाव तक हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, एक तरफा बैर चला, और ऐसा नहीं सामने वाला गाली दे करके फ्री हो जाता, एक दो चांटा मार के फ्री हो जाता, उसने तो इस भाव से मारा कि वहीं तत्काल मरण हो गया। ऐसा बैर हाथी की पर्याय में हुए, और ये सर्प बना उसी वन में, उसी कीचड़ में, और डस लिया उसको देख करके, तो हमारे जाति स्मरण हो गया उसके लिए, और जाति स्मरण से वो समझ जाते थे कि ये हमारा बैरी है, ये हमारा भाई है, ये हमारा ऐसा है, तो जाति स्मरण से वहां पर पहचान होती थी कि हमारा बैर भाव चल रहा है। नमोस्तु महाराज जी, बुढ़ापे को बोझ बनाने की अपेक्षा वरदान कैसे बनाएं? बहुत अच्छा, बुढ़ापे को बोझ बनाने की अपेक्षा बुढ़ापे को वरदान कैसे बनाए, बात सही है। जो सच्चा धर्मात्मा होता है उसको आगामी समय की, आगामी काल की चिंता होना ही चाहिए। आज हमारी जवानी का बुढ़ापा आने की ओर हम जा रहे हैं, किसका बुढ़ापा, जवानी का बुढ़ापा, और फिर एक समय ऐसा आएगा बुढ़ापे का भी बुढ़ापा हो जाएगा। तो हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, हम किसी के ऊपर इतने बोझ ना बने कि कोई हमें तुच्छ समझने लगे। पर संत कहते हैं कि हम बोझ बनने के पहले अपने आप को इतना ओझल कर लें कि किसी को बोझ बनने की जरूरत ना पड़े। आप धर्म से जुड़ो, धर्म के मार्ग पर चढ़ोगे, निश्चित तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। बोझ तब बनते हैं व्यक्ति जब अकर्मण्य होते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, घर में खाते पीते और सोते रहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ करने की जुनून जगाएं कि मैंने जीवन पाया है, और जीवन पाकर के मात्र मुझे खा पी करके व्यतीत नहीं करना है, इस जीवन से कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है कि लोग मुझे सदियों याद रखें। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो होते जिन पर कुछ लिखा जाता है, और एक वो होते जो लिख कर गए उसको पढ़ने वाले होते हैं। तुम किस में हो, कि पढ़ने वालों में हो कि लिखने वालों में हो? बोझ ना बने, वरदान सिद्ध हो, ताकि तुम्हें सदियां याद करें कि कोई व्यक्ति हमारे सामने था, कोई हमारा था। आचार्य श्री हमेशा करते हैं, कहते हैं मरना है तो मर जा, मरना है तो मर जा, पर कर्जा मत कर जा। मरना है तो मर जा, पर कर्जा मत कर जा, कुछ ऐसा कर जा कि लोग तुम्हें याद रखें, वरदान सिद्ध हो जाओ। तो बोझ ना बने, वरदान बने दूसरों के लिए, इतिहास बने दूसरों के लिए, इतिहास की रचना करके जाएं जिससे तुम्हें लोग याद करें, ऐसा समझना चाहिए। चलिए इसी महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो होना होगा वो सही होगा,
और जो होना होगा वही होगा, इसको अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सुंदर आपने सोचा है, जो होना होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। ये बात सच है कि व्यक्ति का जब कर्म उदय में आता है, जब कर्म उदय में आता है तो वही होता है जो होना होता होगा। हम लाख प्रसाद और प्रयत्न करें कि इसको टालना चाहे तो टाल नहीं सकते हैं। लोग तुम्हें रोकते हैं कि आज तुम मत जाओ, और कोई व्यक्ति चला जाता है सामने वाले की बात नहीं मानता है और जाकर के 10-50 किलोमीटर चला जाता है और एक्सीडेंट का केस बन जाता है। क्या हुआ? जो होना होता है, जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। कर्म है, इन कर्मों को टाल नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत बदल तो सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक को सातवें नरक की आयु का बंद कर लिया था, जो होगा सही होगा और जो होना होगा तो वही होगा। सातवीं नरक की आयु का बंद कर लिया, लेकिन उस आयु को कम करते 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 कहां तक लाया वो जीव? बोलो जी, 84 वर्ष की आयु में अटका दिया। जो होना होगा वही होगा और जो होगा सो सही होगा, इस पर विश्वास करके चलो। हम किसी को दोषी ना ठहराएं, पर एक बात बताऊं, अहंकारी व्यक्ति अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार नहीं करता है। मैं सबके सामने पावरफुल हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। जैसे बिल्ली दूध पीती रहती है, ऊपर डंडे भी पड़े उसको डंडे की खबर नहीं होती है, बस वो दूध पीने में मस्त है, दूध पीने में मस्त है। जब तक पेट नहीं भरेगा डंडे खाती रहेगी तो खाती रहेगी। तो इसलिए जो होना होगा वही होगा और जो होगा सही होगा, पर नेगेटिव में नहीं लगाओ, इसको पॉजिटिव वे में ले जाओ कि मुझे धर्म ध्यान करना है, जो करेंगे सही करेंगे और जो होगा सो सही ही होगा। इस बात पर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा। अब किसी को तुम गाली दे दो, किसी को गाली दे दो और फिर कहोगे कि मेरे तो दिमाग में आया जो होना सो होगा, सही होगा। आप पूजन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नहीं, भूल रहा है, याद आ रहा था, अभी चला गया। मन में हो सो वचन उचरियो, वचन से हो सो तन से करियो। ये हम पूजा में पढ़ते हैं 10 लक्षणों में। क्या आया मन में? मन में हो सो वचन से उचरियो और वचन से हो सो तन से करियो। अब आपके मन में आया कि हम पड़ोसी वाले को अच्छे दो जड़ दें, और फिर क्या रहा? ठूंसा मारे दो। यहां पर मना किया है, मन में हो सो वचन सो करे उचरियो वचन सो तन सो, यहां मना किया है। पर यहां पर करने के लिए कहा है, मन में हो सो वचन सो चरियो वचन सो हो सो तन सो करियो। कहां पर करना है? आज मेरे मन में आया कि उपवास करना है, ठान लो कि करके रहना, आज उपवास ही करेंगे। अब रोज एक पूजन करते थे, आज 4 पूजा करेंगे। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकरों की और देव शास्त्र गुरु की। मन में हो सो वचन सो करियो वचन से हो सो तन से करियो, यहां पर करना है। पाप के कार्य में जब भी आए विचार नहीं करना है, धर्म के क्षेत्र में विचार आए करना ही है, कल पर नहीं छोड़ना है। तो जो होगा सो सही होगा और जो होना होगा वही होगा, तब सही होगा। नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु।
महाराज मेरा ये प्रश्न है, जैसे जैसे पार्श्वनाथ भगवान की, मुनि सुव्रत नाथ भगवान की और श्रेयांश नाथ भगवान की, सबकी प्रतिमाएं काले पाषाण में होती है, और भगवान की, महावीर भगवान की और सब भगवानों की श्वेत उसमें होती हैं रंग में, तो इनका क्या रहस्य है? हमारे शास्त्रों में जो रंग उस समय तीर्थंकरों के थे, उसी रंग के आधार पर चौबीसी को तैयार किया गया है। यदि आपको आज उदाहरण देखना हो, आज उदाहरण हमारे सामने एक जगह की चौबीसी में है। कभी आप लोग यहाँ में कोई बैठा हो, गया हो तो पता नहीं, पर नहीं गए हो तो एक बार उस चौबीसी का दर्शन करके अवश्य आना चाहिए। वो है मध्य प्रदेश में चंदेरी, चंदेरी गोला कोट के आसपास है, खनिया धाना वहीं पर पास में है, ललितपुर से भी जाते हैं, झांसी से भी जा सकते हैं। चंदेरी की चौबीसी जिस समय बनी थी, जिस पाषाण में बनी थी, वही पाषाण वही कलर आज भी ज्यों का त्यों है। आप शास्त्रों में पढ़ते दो गोरे दो लाल दो सांवले ऐसा कुछ आता है? तो जिस रंग में हमारे तीर्थंकरों का जन्म के समय जो रंग था उनकी काया का, उसी रंग के आधार पर कलाकारों ने, शिल्पियों ने उस पाषाण में निर्मित कर दिया, ऐसा इसका रीजन है। और उसी तरीके से हम उनको आज तक देखते चले आ रहे हैं, इसमें कोई विरोधाभास जैसा नहीं। नमोस्तु, चलिए। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं रक्षाबंधन अपनी लड़कियों से ही मनवाऊंगी, मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को राखी बनवाऊंगी, तो क्या यह सही है? कोई दिक्कत नहीं, रक्षा सूत्र है, चाहे पत्नी पति को बांधे, पत्नी पति को बांधे या पति पत्नी को बांधे, एक दूसरे की रक्षा का भाव होना चाहिए। ये बात अलग है, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में भाई बहन के संबंध के रूप में रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। आज से नहीं, सदियों से हम इस धर्म को, इस पर्व को, जो लौकिक पर्व है, इसको मनाते चले आ रहे हैं। यदि बेटी बहन छोटी बहन को बांधती है, कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कम से कम उसके अंदर इतनी भावना तो जागी कि हमारी भाई, हमारा भाई नहीं है तो मैं तुम्हारा भाई बन करके धागा बांध रहा हूं, और हम जीवन पर्यंत का संकल्प लेते कि हम तुम्हारा, तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन हमारा, हमारे अंदर दुर्भावना पनने लगी है। लड़का लड़की जब एक दूसरे से मिलते हैं, स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, भैया भैया भैया, पर सैया कब बन जाते पता नहीं है। शुरू में तो भैया कहेंगे, भैया कहेंगे, और फिर कब सैया बन जाए पता नहीं। अंदर तुम्हारे हृदय में वो पावन श्रद्धा और विश्वास जगना चाहिए। यदि मैंने अच्छे मन से किसी को भाई माना है तो जीवन पर्यंत वो तुम्हारा भाई रहे। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन आ रहा है, उस पर भी विशेष प्रवचन होगा, आकर के सुनना जरूर। आज का प्रवचन भी विशेष प्रवचन था, पारसनाथ भगवान के जीवन दर्शन के ऊपर था, लेकिन जिसके भाग्य में और पुण्य में होता, जिसकी श्रद्धा और भक्ति जुड़ी होती है, वही यहां आकर के बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। टीवी पर सुनना यानी झरने का मतलब, यानी तुम नगर पालिका का पानी पी रहे हैं, और झरने के पास जाकर के पानी पीना या वहां का आनंद लेना, वो साक्षात झरने का आनंद है। समझ रहे ना? तो यदि छोटी बहन या बड़ी बहन को बांधती है, कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है, बांधे खुशी से बांधे, एक दूसरे के प्यार के बंधन में बंधे। वो कच्चा धागा भले हो सकता है, लेकिन प्यार का बंधन इतना मजबूत होता है कि धागा टूट जाए पर प्यार का बंधन, वात्सल्य का बंधन
नहीं टूटना। चलिए, गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, दुखों से मुक्ति कैसे मिले? दुखों से मुक्ति कैसे मिले, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, दुख को बुलाने वाला कौन है? बोलो, दुख को बुलाने वाला कौन है? तो उत्तर आएगा, दुख को बुलाने वाला मैं ही हूँ। जब दुख को हम बुलाते हैं तो दुख को हम दूर करने में समर्थ भी हो सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, जिस दरवाजे से दुख आ रहे थे उस दरवाजे को क्या करना है? बंद करना है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जिस खिड़कियों से धुआं या धूल आती है, जिस खिड़कियों से धूल आ रही है, जिन खिड़कियों में से धुआं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? बोलो जी, खिड़की को बंद करते हैं। क्या करते हैं? खिड़की को बंद करते। क्यों करते हैं? धुआं आ रहा है या धूल आ रही है, यही है ना। संत कहते हैं, ऐसे यदि हमारे जीवन में कर्म जुड़ रहा है, दुख आ रहा है, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, कष्ट आ रहा, वियोग आ रहा, विपत्ति आ रही है, इनको जोड़ने वाला कौन है? मैं स्वयं हूं। कौन है? हम स्वयं उसके हैं, जन्मदाता। और जब तुम्हें लगे कि ये कर्म मेरा है, मेरे द्वारा उपार्जित है, तो समझ लेना कि तुम्हें पता पड़ गया कि कर्म मेरे द्वारा है। अब उस कर्म के दरवाजे को मुझे क्लोज करना, बंद करना है। ऐसे यदि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो उन दुखों को आने वाले रास्ते को तो पकड़ना है। किस रास्ते से कर्म आ रहा है, किस रास्ते से दुख आ रहा है, किस रास्ते से प्रतिकूलताएं आ रही हैं। पर आप लोगों के साथ तो बड़ी एक विडंबना ये है, आप लोग बहुत होशियार हैं और चंचल भी हैं। आपके पास एक दरवाज़ा नहीं है, आने का दरवाज़ा अलग और जाने का दरवाज़ा अलग। ऐसे ही दुख आएंगे तो इस दरवाजे से आएंगे, उस दरवाजे से आएंगे। कभी सिर दर्द होगा तो दुख आ रहा है, कभी कमर लचक गई तो दुख आ रहा है, कभी घुटने का दुख आ रहा है, कभी नज़र कम पड़ गई उसका दुख आ रहा है, अब कानों से सुनाई नहीं दे रहा उसका भी दुख आने वाला है, दांत गिर गए अभी तो दर्द हो रहा है, हिल भी नहीं रहा ये दुख आ रहा है। जिस तरह से अनेक प्रकार के दुख हमारे शरीर से शरीर में आते हैं, क्योंकि उस तरह के कर्म हमने बांधे थे, वो दुख नहीं आ रहा है, वहां वहां से कर्म निकल रहा है। यदि डाढ़ में दर्द हो रहा है तो वो दुख नहीं आया, उस डाढ़ के माध्यम से कर्म हमारा निर्जरा को प्राप्त हो रहा है। अब हमें वो चीज नहीं खाना है जिससे डाढ़ में दर्द होता है। मीठा खाना बंद कर दो, भिंडी की सब्जी खाना बंद कर दो, आलू खाना बंद कर दो, बैगन खाना बंद कर दो, टमाटर खाना बंद कर दो, दुख नहीं होगा, डाढ़ में दर्द होगा ही नहीं, पक्के में। क्यों? जितनी जितनी बाधिक की चीजें होती उन्हीं से उन्हीं के कारण हमारी डाढ़ में दर्द होता है। अब पेट में दर्द हो रहा किसी के, दुख आया है, अब क्या करें? खा तो ली तुमने भिंडी की सब्जी, अब मिट्टी का तेल लगाओ ऊपर से बादी छटेगी, अजवाइन खा लो, मेथी खा लो छोड़ी सी, पर हम भिंडी खाना नहीं छोड़ेंगे, हम बैगन खाना नहीं छोड़ेंगे। बैगन की बात पर एक हमें पुराना उदाहरण याद आ गया, जो मैंने 1998 में सुना था, अकबर बीरबल के बीच की बात है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, बैगन बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हजूर, बैगन बहुत अच्छे होते, एक भी उसमें अवगुण नहीं होता है। क्या कहा? एक भी अवगुण नहीं होता है। तो अकबर ने कहा बीरबल से, कल से बैगन की सब्जी बनना चाहिए, आदेश फरमाइश हो गया। अब उन्होंने 8-10 दिन बैगन बैगन की सब्जी खाई, अब उन्हें बादी चढ़ गई। क्या हो गया? बादी चढ़ गई, पूरे हाथ पैर में दर्द होने लगा। फिर बुलाया बीरबल को, क्यों बीरबल? जी हजूर, क्या हुआ? आप तो बोल रहे थे कि बैगन में एक भी
अवगुण नहीं है, और मैं और जब अवगुण नहीं है तो वो दर्द क्यों हो रहा मेरे शरीर में? तो बोले, हजूर आप कहते बैगन में एक भी अवगुण नहीं, तो मैंने कह दिया जी हजूर बैगन में एक भी अवगुण नहीं है, और आप कह रहे बैगन में गुण है, तो हम कह रहे मैं भी कह रहा हूं बैगन में गुण है। हजूर नौकरी में आपकी कर रहा हूं, बैगन की नहीं कर रहा हूं। हजूर में नौकरी बैगन की कर नहीं कर रहा हूं, आप की कर रहा हूं। आपने कहा कि बैगन में गुण है, तो मैंने कह दिया बैगन में गुण है, और आप कह रहे बैगन तो बेकार है, अवगुण अवगुण। तो जी हजूर बैगन में अवगुण ही है। तो दुख आते हैं, दुख को भी स्वीकार करो, और सुख आता है तो सुख को भी स्वीकार करो। एक उदाहरण और सुना देता हूं इसी से संबंधित। आपके घर में जब आपके ताऊजी ताऊजी चाचा जी आते हैं तो तुमको क्या लगता है? अच्छा लगता है। क्या लगता है? चाचा जी आए हैं, 150 रुपये दे के जाएंगे। ताऊ जी आए हैं, 200-500 रुपये दे करके जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए खर्चा नहीं है, जो भोजन हम करते हैं वही भोजन उनको करा देते हैं। जब कभी आपके घर में आपके दामाद जी आते हैं तो क्या होता है? अब तो आफत आ गई, खर्चा आ गया। क्या हो गया? जब दामाद जी आते हैं तो क्या हो गया? खर्चा आ गया, आफत आ गई, परेशानी आ गई। अब जब भी जाएंगे तो कम से कम 2-5 हजार रुपये का खर्चा तो बढ़ गया है। अब सामान्य भोजन से काम नहीं चलेगा, अब तो नए नए प्रकार के व्यंजन बनेंगे। सुबह अलग, दोपहर का नाश्ता अलग, शाम का अलग, फिर रात में सोने के पहले अलग, उठने के बाद तुरंत बेड टी, सब चीजें। क्या हो गया? खर्चा बढ़ गया। अब जब जाएंगे तो सूखे नहीं जाएंगे, कुछ टिका भी करना पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे घर में चाचा जी आए तो समझ लो सुख आ गया, और जब दामाद जी आए तो दुख आ गया, ये समझ लेना। ओम शांति, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए इसी क्रम में आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।